नमस्कार, स्वागत है आपका जेके न्यूज़ पॉइंट में। तो 50 दिन हो गए हैं आर्टिकल 370 को हटे हुए, तो 50 दिन से चर्चा चल रही है शहर में और देश दुनिया में भी किस तरह से जो है आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर लोगों के लिए जो है लाभदायक है, वहीं जम्मू कश्मीर में रह रहे डिसेबल लोगों के लिए किस तरह से आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन लाभदायक है भी कि नहीं, उनके लिए फ़ायदा है भी कि नहीं, तो इसी पे ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संध्या दर हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं डिसेबल्स के लिए। तो मैम आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू जीके प्रोड्यूसर। तो मैम बहुत सारी डिस्कशनें चल रही हैं कि आर्टिकल 370 ठीक है, इसको हटाना नहीं है, क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, किस तरह से लाभदायक है ये। तो सबसे ज़रूरी जो हमेशा मिस हो जाता है वो है कि वहाँ के लोग गैलरुता के लोग हैं और जिनमें एक लोग हैं डिसेबल्स, तो उनके लिए किस तरह से जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन में फ़ायदा है भी कि नहीं, उसके बारे में आप हमें बताएंगे किस तरह से ये आप लोगों को फ़ायदेमंद है। दीक्षा, पहले तो मैं थैंक यू हूँ कि आपने ये टॉपिक उठाया कि डिसेबल पर्सन्स के लिए ये कहाँ पे लाभदायक है। एक्चुअली ये कहानी स्टार्ट होती है जब यहाँ पे राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 95 का लगा था। 1995 में वो पूरी हिंदुस्तान में लागू हुआ था, तो 3 साल की जद्दोजहद की लड़ाई के बाद वो 97 में जम्मू जे एंड के में लगा। 95 में पूरे इंडिया में लग के 97 में यहाँ, क्योंकि 370 आर्टिकल के कारण हमारा 3 साल लेट हुआ था, डिले हुआ था इसमें। उसके तुरंत बाद ही 99 में एक ट्रस्ट आया, नेशनल ट्रस्ट एक्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड सेरेब्रल पॉलिसी को कवर करने के लिए। उनको उनसे क्या क्या फ़ायदा था कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्कीम्स आती थी जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है, जिससे कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आती है एक मेंटली रिटार्डेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए या सेरेब्रल पॉलिसीज़ के, जो मेरी डिसेबिलिटी है उनके लिए, तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी। मेरा अभी तक इंश्योरेंस नहीं हुआ है, तो क्योंकि ये एक यहाँ पे एक धारा थी कि हमारा एक स्पेशल स्टेटस था, हम पूरा जो हिंदुस्तान में लग सकता था वो हमारे को वो रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, तो इस कारण हम इस रूल इससे वंचित थे कि हमें हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी एक लाइफ स्कीम में इंश्योरेंस पॉलिसी में हम नहीं आते थे। तो जो पूरे हिंदुस्तान के डिसेबल फ़ायदा उठा रहे थे, हम लोग वो फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। ये ट्रस्ट फिर ऑर्डिनेंस में 2 बार पास हुआ, फिर भी इसकी फ्रेमिंग नहीं अभी तक हुई, वो अभी तक हमारे को लागू नहीं हुआ है। आज 20 साल हुए उस ट्रस्ट एक्ट को लागू हुए हुए, फिर भी वो हमें नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। और एक और चीज़ आ रही है इसके अंदर, हमारा फिर 2016 में एक और एक्ट आया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उस चीज़ को भी लागू करने के लिए हमें 2 साल की जदोजहद की लड़ाई सरकार के साथ लड़नी पड़ी। तो 18 में जेके RPWD एक्ट 2018 के नाम से वो लागू हुआ, पर अभी तक उसकी भी फ्रेमिंग नहीं हुई, वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ। बट हम लोग इतने बिछड़ चुके थे कि जो कि हिंदुस्तान का पूरा डिसेबल सेक्टर बेनिफिट्स ले रहा था, हम लोग वो बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे थे, हम लोग उन चीज़ों से वंचित हो रहे थे। तो इस एक्ट के हटने से हमें वो सारा कुछ मिल सकता है, वो सारा सेक्टर। मैं अपने पूरे डिसेबल सेक्टर की ओर से थैंकफुल हूँ इस एक्ट को हटाने के लिए। तो मैम जिस तरह से आपने कहा कि आप लाइफ इंश्योरेंस जो था आप नहीं ले पाते थे, तो और भी कौन कौन से, अगर हमारे जो व्यूवर्स दे रहे हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि क्या क्या आपको बेनिफिट नहीं मिलता था जो आम आदमी जो सारे डिसेबल्स हैं और बाकी लोगों को मिलता है, जब सेंट्रलाइज हो गई है पावर, 370 हट गया है, तो क्या क्या फ़ायदे, अगर आप उसे ब्रेक डाउन करके एक एक करके बताएंगे और क्या फ़ायदे हैं। हमारा कंपोजिट रीजनल सेंटर है CRC जम्मू में, तो अभी तक लागू ही नहीं हुआ है वो। उसके लिए लैंड सेंक्शन हुई पोर्ट बुलवार में, सब कुछ मतलब ऑर्डर्स 2013 में आए, अभी तक वो नहीं लगा पाए। कश्मीर में CRC सेंटर चल रहा है, वो भी कोई अकाउंट्स ऑफिसर उसको चला रहा है, वो भी किसी डायरेक्टर के अंडर नहीं, कोई सेंसिटाइज पर्सन उसको नहीं चला रहा है जिसको नॉलेज हो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए डिसेबल पर्सन। वो चीज़ किसी को पता ही नहीं है। वो मतलब अब जो चेंज आएगी कि अब हमारे सेंटर से बंदे आएंगे, मे बी IAS ऑफिसर डायरेक्ट रिक्यूट होगा, सेंसिटाइज पर्सन रिक्यूट होंगे जो कि आगे बेनिफिट्स दे देंगे हमारे सेक्टर को, एग्जैक्टली जो हमारी नीड है।
तो वेल क्वालिफाइड लोग जो होंगे वो पावर्स में आएंगे, दे कैन मेक अ चेंज, दे कैन नए रूल्स जो हैं रेगुलेशंस को, इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़रूरी है। तो इसके अलावा मैम, जैसे 370 को लेके ये भी धारणा है कि जम्मू के साथ जो होता है वो भेदभाव होता है, कश्मीर के लोगों को ज़्यादा, बात करें तो ज़्यादा साधन मिलते हैं, क्या डिसेबल्स पर्सन का भी ऐसा ही है कि जैसे आपने कहा कि कश्मीर में खुला है, यहाँ सेंटर नहीं खुल पाया, तो वो उसके बारे में बताएं। वो चीज़ क्या थी कि वो चीज़ तो 370 आर्टिकल का एक मान्यता है कि इसकी मनमानी थी, वो मनमानी तो ये तो काफ़ी सालों से चली ही रही थी कि एक जगह पार्शलिटी होती थी, एक जगह वो चीज़ तो चल रही था। अब मगर एक शायद मैं मतलब बिलीव करती हूँ होपफुली कि ये पूरा हो जाए कि जम्मू को भी उतना ही हक मिले जितना कश्मीर को मिल रहा था और डिसेबल सेक्टर को कोई राय ना मिल सके। तो मैम, जाते जाते जो भी हमारे व्यूअर्स हैं आर्टिकल 370 पे, जर्नली बिकॉज लोग इतने सेंसिटाइज नहीं हैं अबाउट डिसेबल्स राइट्स एंड ऑल, तो उसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें लोगों को। लोगों को यही कहना चाहती हूँ मैं कि डिसेबल सेक्टर को अपने, मैं उसका पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं जानती हूँ, बट अपने सेक्टर को मैं कहती हूँ कि 300 सेक्टर हटने से सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ तो हमारे ही सेक्टर को हुआ। हम लोग अपने सेक्टर की ओर से हम थैंकफुल रहने चाहिए इसका हटाने में। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ संध्या धर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, और बता रही थी किस तरह से आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा डिसेबल सेक्टर्स को होगा। बहुत सारी चर्चाएं हैं कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, पर जब हम ऐसी स्टोरीज ऐसी कहानियां सुनते हैं जहां तब हमें पता चलता है कि कितना ज़रूरी था आर्टिकल 370 हटना और लोगों को जो है अपने हक जो है मिलना कितना ज़रूरी था। तो फिलहाल जेके न्यूज़ पॉइंट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।